हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशी नगरेश के। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लिक्विड बारे में प्रमेयिका पढ़े थे, वो प्रमेयिका क्या होता है उसके बारे में डिटेल से समझे थे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है उसके बारे में चर्चा किए थे। आपको बताया था कि जब तक वो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जो उसका शेषफल है यानी कि आर जीरो ना हो जाए तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी के बारे में आज क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, एक ही क्वेश्चन से हम लोग क्लियर हो जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बताएंगे, डिटेल्स में पूरा पीछे लिखा हुआ है, तो अभी एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा दे रहे हैं। अगर आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ना देखे हो तो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के दृष्टि से। कॉम्पिटेटिव के एग्जाम के दृष्टि से नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इसको भाग भी से भी हल कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दरअसल क्या होता है, एससीएफ निकालने का एक मेथड है, तो वहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये लॉन्ग वाला मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्ट मेथड जो हम लोग भाग भी से जानते हैं उसको लगा सकते हैं, फैक्टर भी से जानते हैं वो लगा सकते हैं। आप लोग लगाएंगे तो उसका भी आंसर इतना ही आएगा जितना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आ रहा है। बात यहाँ पे वो है कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देता है उससे पूछता है। तो आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं और इसका सॉल्यूशन भी लिख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए आप लोगों को सामने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप करके समझाते जाएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग कि 4052 क्वेश्चन है, 4052 और 12576 का एससीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी कि ये डिजिट और ये डिजिट, जैसा कि हम बताए थे एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाया थे, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य, जैसे हम पढ़ते हैं ना बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वहाँ पर फार्मूला भी हम लिखे थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। सेम उसी के प्रोसेस से चलेंगे हम लोग, भाग भी से अगर एससीएफ निकालते हैं सेम उसी प्रोसेस से चलते हैं, लेकिन हम लोग को उतना लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग करके हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, वो छोटा रहता है, आसान भी रहता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम उसी प्रोसेस से जैसा कि हम बताए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप लोग कंपेरिजन करते हुए चलिएगा कि सेम उसी के प्रोसेस से है, यानी कि यहाँ पे भाज्य था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही रहता था, सब में यही रहेगा, जितने यहाँ पे हम लिखे हैं सब में यही रहेगा। लास्ट में देखेंगे हम लोग का भाजक कितना आ रहा है, जितना भाजक आएगा वही हम लोग का एससीएफ हो जाता है। यानी कि बी का मान हम लोग यहाँ से ढूंढते हैं, अगर बी हम लोग का भाजक है, भाजक तो होता ही है, तो बी हम लोग का भाजक है, हम लोग बी का मान लास्ट तक ढूंढते हैं, यानी कि जहाँ पे आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा वही बी वाला वैल्यू हम लोग ले लेंगे। आर का वैल्यू तो सब जगह रखा हुआ है, लेकिन आर का वैल्यू हम लोग क्या देखते हैं, तब तक ये प्रोसेस करते हुए चलते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि आर का वैल्यू जीरो ना हो जाए, ये आप लोगों को हम बताए थे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों डिजिट में जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग भाज्य मानते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, और भाग भी इसमें करते हैं तभी भी आप वही मानते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं जो बड़ा रहेगा उसी को क्या मानना है, भाज्य मानना है, तो भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया। अब देखिए भाज्य भाजक हो गया, उसके साथ देखिए दोनों संख्याओं इतना और इतना, अगर इसको ए मानते हैं तो इसको बी मानेंगे, इतना और इतना पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी दोनों संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अब लगाने के बाद क्या देखेंगे, पहले बताए थे भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी कि हम लोग भाग देंगे तो थ्री टाइम में, कि जितने टाइम में डिवाइड होता है वो क्या होता है, क्यू का मान होता है, तो क्यू का मान यहाँ पर क्या है, थ्री है। अब यहाँ पे बी का मान क्या है, देख सकते हैं 4052, और यहाँ पे 420 क्या आ गया, आर का वैल्यू, यानी कि आप लोग देख सकते हैं आर का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि 420 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो बराबर नहीं है, इसलिए फिर क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, यही हम लोग करते हैं, 420 से अब इसमें डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 4052 हो गया, भाजक क्या हो गया हम लोगों का 420, 9 इसमें क्या हो गया भागफल हो गया, 2072 आएगा ये, ठीक है, यहाँ तक समझ हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप लोग आर का वैल्यू जीरो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप चलेंगे, अब इसमें और इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। आप लोगों को ये बता दें इसमें और इसमें इसलिए लगाते हैं, जैसे कि आप लोग अगर भाग देते हैं, अगर हम लोगों का 9 और 12,
9 और 12 का हम लोग का एस सी एफ निकालना है, तो भाग भी से क्या निकालते हैं, 9 1 9 कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से क्या करते थे, 9 में डिवाइड करते थे, 3 3 9, ये कट जाएगा। यानी कि जो हम लोग का यहाँ पे क्या आता था, भाजक आता था, वही हम लोग का एस सी एफ हो जाता है। सेम प्रोसेस यही कर रहे हैं, बस ये क्या है, अलग अलग करके लिखा हुआ जा रहा है, प्लस करके एड किया जाता है। ये तो हम लोग भाग देते थे तो ईजी है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसी का टर्म लिख रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करके इसके फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अब इसमें इसमें लगाएंगे तो 420 इक्वल टू 272 गुड़े 1 प्लस 148। आप लोग कंपेयर करते हुए चलिएगा, यहाँ पे भी आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ है, तो एक स्टेप और चलेंगे, यानी कि 272 और 148 में इक्विलिब्रियम प्रमेयिका से क्या होगा, 272 भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और भाजक क्या हो जाएगा, 148 गुणे 1 कर देंगे, यानी कि भागफल 1 आ जाएगा, और 124 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर शेषफल हो जाएगा। अब क्या देखेंगे, अब 148 124 में, क्योंकि आर बराबर 0 फिर भी नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको आर बराबर 0 करना है, जब तक कि हम लोग को 0 ना आए तब तक आर का वैल्यू रखते हुए और हम लोग को यूक्लिडियन प्रमेय का प्रयोग करते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 148 है, यहाँ पे इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24 इतना हो गया, आप लोग देख सकते हैं 24 आ गया, ये कम होते चल रहा है, यानी कि जाते जाते हम लोग को 0 आ जाएगा, इतना तो है। अब देखिए 24 हो गया, अब फिर भी वो 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, 124 और 24 में यूक्लिडियन प्रमेय का से लगाएंगे, तो 124 इक्वल टू 24 गुणे 5 प्लस 4 इतना आएगा, यानी कि 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, उसके बाद से 4 ऐड करेंगे 124 आ जाएगा, इतना हो गया। अब देखिए 4 आ गया रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर हमको कितना लाना है, 0 लाना है। अब देखिए 24 और 4 से यूक्लिडियन प्रमेयिका से, अब 24 और 4 में क्या करेंगे, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे भाजक क्या हो जाएगा, 4, भागफल क्या हो जाएगा, 6, रिमाइंडर कितना हो जा रहा है, 0। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसका हम लोग भाजक का मान ले लेते हैं, जितना भाजक का मान आता है वही हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का एस सी एफ होता है। इसमें भी हम लोग करते थे, जितना भाजक आता था उतना एस सी एफ होता था, इसमें भी क्या करेंगे, जितना भाजक आएगा उतना ही एस सी एफ हो जाएगा। यहाँ पे कितना भाजक आया, 4 आया, यानी कि 4052 और 12576 का एस सी एफ क्या होगा, 4 होगा। इतना आप लोग को समझ में आया, अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को मतलब स्लो मोशन में करके और पॉज करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से समझिएगा, कॉपी पर आराम से लिख के समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता रिपीट करके देख लीजिएगा, मतलब लगेगा ऐसे ही। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप लोग सोल्यूशन कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, जिससे आप लोगों को पास सोल्यूशन चला जाएगा या उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो बन जाएगा। तो आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें, और ये भी बताया करें कि और आप लोग किससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, यूक्लिडियन प्रमेयिका से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगले वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे, मतलब इसी में कुछ अलग टॉपिक लेके आएंगे, जैसे हो गया शांत और शांत दशमलव, उसके बारे में भी समझा देंगे आप लोगों को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।